जी क्लास 8 वेलकम बैक. सो वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर सेल एंड वी वर डूइंग परफेक्ट साइंस की बैक एक्सरसाइजेस. सो वी हैव रीच शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फॉर्चुनेटली एट लास्ट राइट. चलिए सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. कौन बता सकता है मुझे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. मैम प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लियस. सॉरी दोबारा बोलो. प्रोटेक्शन क्या बोल रहे हो बेटा समझ नहीं आ रहा. अलाउज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. मैम डबल लेयर ऑफ न्यूक्लियस. हाँ जी वो बेटा इसका ना करैक्टरिस्टिक फीचर हो गया. इट इज नॉट द फंक्शन राइट. वो फंक्शन नहीं हुआ क्लियर. सो इट मैम मैं कह रहा था प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लियस. यस बिल्कुल ठीक है कर सकते हैं हम उसको लिख सकते हैं. इट प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लियर मटेरियल. यस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स From nucleus to the cell, nucleus to cytoplasm, और एक हम point लिख सकते हैं it plays the role in protection. ठीक है जी. तो हम यहाँ लिख रहे हैं protection. चले. What are the functions of cell membrane? Yes, who is going to tell me the functions of cell membrane? Protective in nature. यस मैम. मैम इट इज एक सेलेक्टिवली मैम क्या कहेंगे उसको मैम सेलेक्टिवली के बाद एक वर्ड था. सेलेक्टिवली परमीएबल. यस यस मैम मैम सेलेक्टिवली परमीएबल. सेलेक्टिवली परमीएबल. यस स्वाति क्या बोल रहे हैं बेटा आप. मैम इट सेपरेट सेल फ्रॉम वन. Yes. हम लिख सकते हैं हाँ जी हम एक सेल के कंटेंट्स को दूसरे हाँ जी बिल्कुल. या हम लिख सकते हैं इट गिव्स शेप टू द सेल राइट. गिव्स शेप टू सेल. और लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे जो हमें स्वाति ने बताया दैट इट हेल्प्स टू सेपरेट सेल कंटेंट फ्रॉम इट्स surrounding medium. Yes. Cell content को ये separate करता है from its surroundings. Yes. Okay. Next yes, is ma'am. What is cell theory? लो आगे आपका favorite question. ठीक है. What is cell theory? अब इसके जो points हैं वो please आप लिख लीजिए अच्छे से. ठीक है ताकि हमें learn करने में भी problem ना आए. तो first point जो इसका आता है cell theory का that is यहाँ पे लिख लो I1 all Living organisms are made up of cells. ठीक है बेटा. मैं हर आंसर को अलग कलर में लिख रही हूँ ताकि आपको ना आराम से पता चल जाए. अगर बाई चांस कुछ ओवरलैप भी हो रहा होगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि रेड कलर से लिखा है तो इट इज द थर्ड आंसर. ग्रीन से लिखा है तो इट इज सेकेंड आंसर. ओके तो ऑल लिविंग हर बात में रेड कलर आना जरूरी है. यस यू नो. ठीक है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक है. सो नंबर टू पॉइंट हमारा बनेगा सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. क्लियर है बेटा जी. चलिए अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जो कि है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म. अब मुझे कौन बता रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म. यस बेटा. यस इट इज द साइट ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस राइट. तो आप फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं इट इज द साइट ऑफ मैम हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द सेल ऑर्गेनिज्म्स. यस तो हम पहले लिख देते हैं इट इज द साइट ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल रिएक्शंस. ठीक है बेटा. टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल यस. तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सचेंज
ऑफ मैम एक यस बेटा मैम वो हो चुका है. अच्छा ठीक है. एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन सेल ऑर्गेनेल्स राइट. क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स होती कहाँ पे है बेटा, दे आर देयर इन साइटोप्लाज्म ओनली. ठीक है ना बेटा, तो इसीलिए आपके जो एक्सचेंज हो रहा है या जो भी मटेरियल्स का इधर से उधर जाना आना सब साइटोप्लाज्म की वजह से हो रहा है. सो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स. चलिए नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रोमैटिन मटीरियल. यस, क्या इतनी इम्पोर्टेंस है उस क्रोमैटिन मटीरियल की कि उसको एनक्लोज ना करने वाले पे हम क्या बोलते हैं. हम इतना नहीं इसको लिखेंगे क्योंकि ये तो बहुत हम इसको बिल्कुल क्या बोल रहे हैं, एक लोकलाइज्ड इफेक्ट दे दिया. ठीक है, सो मैम बट मेन आंसर तो ये आएगा कि इसमें जीन्स होते हैं. व्हाट इज दैट, द क्रोमैटिन मटेरियल्स इट हैज गॉट जीन्स व्हिच आर बेसिकली द ट्रांसमिशन मीडियम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. सो आई एम राइटिंग दिस डाउन, तो आप लिख लीजिए. द क्रोमैटिन मटेरियल इज इंपॉर्टेंट एज इट कंटेन्स, देयर इज माय कर्सर, यस, एज इट कंटेन्स जेनेटिक मटीरियल. ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख देंगे जीन्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम one generation to another. ठीक है जी, so this was the importance of chromatin material and with this we finish off our short answer type questions also.